हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनुजा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक होममेड फेशियल शेयर करने वाली हूं। फेशियल 10 या 15 डेज में आपको एक बार जरूर करना चाहिए। ये आपका स्किन को क्लीन करते हैं, नरिश करते हैं, साथ में आपका स्किन को टाइट करते हैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप में आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर में फेशियल को कर सकते हैं, वो भी घर का चीजों से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। इसके लिए आपको चाहिए रॉ मिल्क। इसमें कॉटन बॉल को डीप करना है और पूरा फेस में आपको अप्लाई करना है। पूरा फेस में अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट तक फेस को आप ऐसे ही छोड़ दें। फिर आप फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। इसके लिए आपको चाहिए मैदा। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून मैदा लिए हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून चीनी लिए हैं। चीनी का जो दाना है वो इतना ही बड़ा रहना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर इसमें ऐड करेंगे लेमन पील। यहाँ पे मैंने एक लेमन को लेके उसको ग्रेट कर लिए है, ऊपर का जो छिलका है उसे। यहाँ पे मैंने करीब 1 चम्मच करीब यहाँ पे लेमन पील मैंने लिए है। फिर इसमें ऐड करेंगे मिल्क और इसको अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे। अब आप इसको फेस में अप्लाई कर लीजिए और बहुत ज़्यादा लाइटली फेस को मसाज कीजिए। ये आपका स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, आपका डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और इसको लगाने के बाद आपका जो स्किन टेक्सचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। आप इसको मसाज करने के बाद 1-2 मिनट तक मसाज कीजिए, उसके बाद आप फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। फिर थर्ड स्टेप है स्टीमिंग। इसके लिए आपको एक बोल में गर्म पानी लेना है, फिर टावल या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा से फेस को ढक के रखना है। स्टीम से आपका पोर्स ओपन हो जाते हैं और डीपली जो गंदगी होते हैं उसको क्लीन करते हैं ये। फिर फोर्थ स्टेप है फेशियल मसाज। इसके लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल लिए है और 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके बाद इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है। फिर आपको इसको अच्छा से पूरा फेस में लगाना है और फोरहेड, चीक्स, आईरियाज अच्छा से मसाज करना है। फिर आप फेस को वाइप कर लीजिए। फिर फिफ्थ स्टेप में करना है फेस पैक। इसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी लिए है। फिर इसमें ऐड करना है बेसन। फिर इसमें ऐड करेंगे चंदन पाउडर। और फिर इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप लेमन जूस। और फिर लेना है मिल्क और इसको आपको अच्छा से एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मेरा पैक थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसके कारण मैंने और थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। फिर आप फेस में इसको अच्छा से अप्लाई कर लीजिए। और फिर ऐसे ही ड्राई होने तक छोड़ दें, उसके बाद आप फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि फेस में कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। अभी मैंने जस्ट फेस को वॉश करके आए हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप हमको नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।